थोड़ा आगे दिखाओ। इस मैं तुम्हें बोला था ना बेटा, देखो ये वाला पाँव ना, इसको स्ट्रेट रखा करो बेटा। एक महीने से सिखा रहा हूँ, याद नहीं है मैंने बताया था इसको, एक टांग स्ट्रेट, एक टांग यूँ लेफ्ट साइड पे। ये शाबाश, भूल गया होगा थोड़ा सा। चलो सर्व करो। अरे बेटा 45 डिग्री के एंगल के बारे में मैंने बताया था ना आपको, कि आपने उस साइड पे मारना है और थोड़ा सा यू करके मारना है, थोड़ा पोजिशन होल्ड करके। बेटा हंस मत बेटा, तेरा बाप खड़ा हुआ है, पकड़। चलो शाबाश। और बेटा बेटा मैंने आपको पहले बताया था ना कि यूँ करके पकड़ना पड़ता है ये, और आपको यूँ मारना पड़ता है बॉल को। बताया था ना मैंने आपको, यूँ करके उसके वाले डायरेक्शन में। अभी आप देखिएगा सर। जी जी बेटा, उस तरफ जो कल आपको सिखाया था। ये क्या इतने दिनों से बच्चे को सिखा रहे, एक शॉट नहीं सीधा मार रहा। सर आपके बच्चे को सिखाते सिखाते ना मैं अपना गेम भूल गया हूँ। इसको कोई शौक नहीं है स्पोर्ट्स का, मेरी बात माने, इसको किसी म्यूजिक एकेडमी में ले जाएं। बेटा तुझे गिटार बजाने का शौक है ना, बता दो, इसको कोई शौक नहीं है। ओ भाई, मैंने अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है, स्पोर्ट्समैन, नॉट मिरासी। कोचिंग अपने पास रखो, मैं उसके लिए कोई और कोच देख लूंगा। कम ऑन बेटा, ढूंढ ले सर, मगर पैसे तो दे दे मेरे। ओ भाई, आपने कुछ सिखाया होता तो पैसे दे। क्या मतलब सिखा दूं, 20 दिन से सिखा रहा हूं सर इसको मैं। कम ऑन सर, मेरे पैसे। बोल दे दे यार। इतनी सीधी और बेवकूफ नहीं है वो जितना मैं उसे समझती थी। हिदायत ने तो यही मशहूर कर रखा था, मेरी बीवी बहुत मासूम है, मेरी बेगम सीधी है, मेरी बेगम ये, मेरी बेगम वो। हाँ बता तो रही हूं। अच्छा सुनो तो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अरे भाई बड़ी चालाक है, मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसने अपने दामाद जमीर को वहां का इंचार्ज बना दिया। स्मार्ट मूव। अब मेरा भी स्मार्ट मूव तुम सुन लो।